When man loves dog, he is a good man. When dog loves a man, he is a good man. Welcome back to Saka Writes. Please don't forget to subscribe and hit the bell icon for all notifications. ये डायलॉग कौन से वेब सीरीज का था ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल आया हूँ मर्फी को टीका लगाने। सुमित मर्फी। अब मर्फी को देना है इंजेक्शन। तो गाइस थैंक्स टू अपना गवर्नमेंट फॉर लॉकडाउन 5.0 और लॉकडाउन 5.0 का ये नया वर्जन फेस वन ऑफ अनलॉक दैट इज अनलॉक 1.0 चालू हो गया है, जिसमें बहुत सी चीज़ें चालू हो गई है। और आज मैं मेरे दोस्त के साथ उसके पेट को इंजेक्शन लगाने के लिए आया हूँ, और बहुत दिनों के बाद मैं ऐसा बाहर निकला हूँ ब्लॉग करने के लिए। सो वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम जाएंगे तो एक छोटे से राइड पे, मतलब बाइक स्टार्ट करने, मेरे को बारिश हुआ है, बाइक स्टार्ट नहीं किया था, तो बाइक चालू तो हो गया पर बाइक को छोटा सा राउंड मारना पड़ेगा क्योंकि बैटरी उतर जाएगी। और सोच रहा हूँ दादर चौपाटिया भी जाके आऊँ बिकॉज मौसम मस्त है, आज धूप निकल रही है, होपफुली आज बारिश नहीं हो रही है, पर फिर भी सोच रहा हूँ क्यों ना 5 मिनट के लिए एटलीस्ट मैं वो दादर भी देखना चाहता हूँ। तो मिलते बीच पे। आज तुम लोग को साका राइड्स दिखाएगा दादर। दोपहर के टाइम एक्चुअली धूप बहुत थी, इसके वजह से मैं बाहर निकला नहीं, और अभी जा रहा हूँ मैं, मतलब मेरे दोस्त को मैंने घर छोड़ा। आप देख सकते हो सिग्नल्स चालू हो गए हैं, सिग्नल्स पहले चालू नहीं थे, ये अभी चालू हो गए। आज एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद मैं आ रहा हूँ योजी पक के चौपाटी पे। ऑलमोस्ट 4 महीना हो गया मैंने समुंदर नहीं देखा था। और बारिश के मौसम में समुंदर देखने की मजा ही कुछ और है मुंबई की। और अपना साका राइड्स, काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ मैं आज मुंबई के चौपाटी पे, दैट इज दादर चौपाटी। दादर चौपाटी मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे आया हूँ, नहीं तो मैं कहीं दूर जाता था, आज लॉकडाउन नहीं होता था तो। पर गाइज आप सबको एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ लॉकडाउन भले ख़त्म हो गया, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, जिसके वजह से आप लोग किधर भी बाहर जा रहे हो ये देखना कि आप मास्क कैरी कर रहे हो अपना, मतलब मास्क पहन के जा रहे हो, और साथ ही में आपके पास
सैनिटाइजर भी है, क्योंकि एक वही तरीका है जिसके वजह से हम उससे बच सकते हैं। अभी अभी मैं आया हूँ, आप देख सकते हो मेरे पीछे, तो वेरी फेमस दादर चौपाटी। आवाज कितना क्लियर है मेरे को मालूम नहीं, मेरा आज माइक का सेटअप बराबर से हुआ नहीं है। अरे बांद्रा वर्ली सीलिंग, एक्चुअली दोपहर के टाइम पे आने वाला था, पर दोपहर का टाइम पे धूप इतना होता है कि जिसके वजह से मैं बोला यार नहीं, ये टाइम बराबर है आने का, सनसेट भी थोड़ा बहुत देखने मिलेगा, और 7 बजे जो है वो कर्फ्यू शुरू हो जाता है, और कर्फ्यू में मेरे को बाहर निकलने का नहीं था, इसलिए ये टाइम पे मैं आया हूँ यहाँ पे, ताकि 6 बजे तक मैं घर जा सकूँ। थोड़ा बहुत आपको एरिया भी दिखा दिया, अब देख सकते हो मतलब अभी काफ़ी सारा जो है ट्रैफिक चालू हो गया है मुंबई का, इतना नहीं पर जो लॉकडाउन में चल रहा था बहुत खाली थे रास्ते सब, पर अभी उतने नहीं है। और ये कुछ दादर चौपाटी के घोड़े जो फिलहाल टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहे, जिसके वजह से घोड़े वालों का भी धंधा चौपट हो गया है। सो आई होप जब आप ये वीडियो देखते रहोगे तभी अनलॉक 2.0 शुरू हुआ है, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बिजनेस चालू होने वाला है, और अभी कुछ नहीं तो है, बस घोड़ों को यहाँ पे बांध के रख दिया है। अभी ये घोड़े वाले भी क्या करेंगे, इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी उन लोग इन घोड़ों को अभी पोस रहे हैं, मतलब यार ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे इन लोग को। घोड़ा गाड़ी मतलब दादर चौपाटी की एक शान थी जो अभी भी है। दादर चौपाटी मोस्टली पब्लिक आता है वो भेलपूरी खाने के लिए, घोड़ा गाड़ी और घोड़ों इन लोग को चलाने के लिए आता है, पर आज आप देख सकते हो कि क्या सिचुएशन है मुंबई की। अभी भी आते वक्त मैं आपको बता रहा था रोड्स काफ़ी खाली थे, इससे भी खाली थे रोड्स जब लॉकडाउन चल रहा था, अभी 5.0 के वजह से काफ़ी सारा रिलैक्सेशन मिला है मुंबईकर्स को, अच्छी बात है। अभी मंडे से 2.0 भी शुरू हो जाएगा। सो गाइस लॉकडाउन ने अपने को बहुत कुछ सिखाया है, आप लोग लॉकडाउन में क्या सीखे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने लॉकडाउन में एक चीज़ ज़रूर सीखी है, दैट इज़ हेयर कटिंग। आप देख सकते हो थोड़े टेढ़े मेढ़े बाल काटे हैं, पर ठीक है अभी गर्मी का सीज़न था, बार्बर लोग के दुकान सब क्लोज थे, जिसके वजह से मेरे को बाल काटना पड़ा खुद से। ट्रिमर था घर पे तो यस काटा है मैंने बाल, तो मेरे को बताना कैसा आप लोग क्या क्या सीखे इस लॉकडाउन में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है, अपना जो चैनल है वो है ट्रैवल एंड मोटो व्लॉग्स से रिलेटेड, और लॉकडाउन की वजह से मोटो व्लॉग्स होने से रहा, क्योंकि मैं किधर भी जा रहा नहीं हूँ। तो मैं आपको यही बताऊँगा कि इस चीज़ के वजह से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मेरे को छोड़ के गए हैं, वेल नो प्रॉब्लम, पर गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी नहीं हो सक रहा है मोटो व्लॉग इज बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। ठीक है परमिशन लेके देखते हैं कुछ हो सका तो, इसलिए मैं तुम लोग से बने रहने के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस डाल रहा था लॉकडाउन में, जैसे कि हेलमेट रिस्टोरेशन हुआ, फिर उसके बाद अपना मैंने रिसेंटली एक व्लॉग बनाया था एक चार्जर के ऊपर, तो ये सब व्लॉग्स मैं बना रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो गए। और इसलिए आज का भी व्लॉग मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं घर पे था, और आज सोचा थोड़ा सा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इसके वजह से एक मोटो व्लॉग क्यों ना किया जाए आप लोग के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन भी दबा देना,
हो सके तो दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना और ऐसे ही सपोर्ट देते रहना। आज के व्लॉग में बस इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, क्योंकि आई थिंक कुछ कहाँ पे तो हम लोग ट्रैवल करेंगे, ज़रूर ट्रैवल करेंगे। और फिलहाल के लिए अगर मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट दिखाना, मुझे छोड़ के मत जाओ गाइस। ऐसे मिलते हैं तुमसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ व्हेरेवर यू आर। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन विथ यू ऑल एंड बी सेफ, राइड सेफ इफ यू आर राइडिंग राइट नाउ, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।